पूरे शहर को तोड़ रहे हैं। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे शहर में ये नहीं चलेगा। इसे अपने बस में कर लो जॉन। हमारे पीछे आओ। यस सर। मफल, जल्दी से एक बड़ा सा रोबोट बन जाओ। लॉरेंस और जो को शहर को बर्बाद करने से रोको मफल। नहीं मॉर्फल, शहर को बर्बाद करने में मदद करो। ओ, जो हुकुम मेरे आका। ओ, नहीं मॉर्फल शैतान बन गया। मजा आ गया। क्योंकि इस हिप्नोटाइज करने वाली मशीन की वजह से हर कोई वही करेगा जैसा हम चाहेंगे। जल्दी से उन बदमाशों के पीछे चलिए। उन्होंने मॉर्फल को हिप्नोटाइज कर लिया है। हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं जब मॉर्फल ही तुम्हारी बात नहीं मान रहा। ओके, चलो अपना काम शुरू करते हैं। उम्मीद है काम बन जाएगा स्टैन। मॉम, यहाँ दो लोग आए हैं जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तुम दोनों मेरे लिए बिल्कुल नकार बेटे हो। तुम्हारे लिए मेरे पास इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं। तुम बदमाश हो तो मैं तुम बदमाशों की माँ हूँ। बताओ इन्हें। आपके बेटे जितने महान बुरे लोग मैंने अपने शहर में पहले कभी नहीं देखे मैडम। ये सच में पक्के वाले बुरे लोग हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? और मुझे नहीं लगता कि वो कभी सच में बुरे बन पाएंगे। देखो मेरे घर ये पुलिस भी ले आए। जितना तुम दोनों के बारे में सोचा था तुम दोनों उससे कहीं ज्यादा कम बुरे हो। पर... माम, कह दो कि हम दोनों बहुत बुरे हैं। हाँ, हमसे कहो कि तुम्हें हम पे नाज है। बस अब ये सब बंद करो। क्यों बंद करे? तुम एक छोटी सी लड़की अपने उस लाल डब्बे के बिना कुछ नहीं हो। सब मिलकर पकड़ लो इन्हें। ये सब लोग तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? इन्हें हिप्नोटाइज किया है तुमने? तुम लोगों से जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते, बल्कि जब उन्हें तुम्हारी बात सही लगेगी तो अपने आप मानेंगे। और हाँ, शहर को तोड़ने के जुर्म में तुम दोनों अब जाओगे जेल। मेरे बेटों को जेल ले जाया जा रहा है? हाँ मॉम, हम तो अक्सर जेल जाते ही रहते हैं। ओ मेरे बच्चे, तुम दोनों सच में बहुत बुरे हो। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। तुमने कुछ सुना स्टैन? मैंने सुना जॉन, मैंने सुन लिया। ये लो, शहर बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। आओ चलो बच्चों, अब सोने का टाइम हो गया है। नहीं डैडी, हमें अभी सोने नहीं जाना है। और आपको तब ही किसी की बात माननी चाहिए जब आपको वो अच्छी लगे। बिल्कुल सही है, पर बच्चे वही करते हैं जैसा उनके डैडी कहते हैं। सिर्फ डैडी और मम्मी और स्कूल टीचर और जैसे पुलिस ऑफिसर और दादी और दादा और भी। वहीं पर रुक जाओ। सुनो मेरे फायर ट्रक, इन बेवकूफों को नीचे गिरा दो और हमारे साथ चलो। सुनो, हमें आग तक पहुंचने के लिए उस ट्रक की जरूरत है। तो फिर भागना शुरू कर दो।
हाँ, हम बन चुके हैं गाड़ियों के बदमाश और इसकी जादुई किरणों से काम बहुत आसान हो गया है। ओ नहीं मॉफल, हमें उन्हें रोकना होगा। मॉफल एक रेस कार बन जाओ। रुको, हमें उस आग को जल्दी बुझाना होगा। मॉफल एक फायर ट्रक बन जाओ। उस तरफ चलो। आज से घूमना फिरना बंद घूमने के शौकीन ड्राइवर। ये क्या है, बदमाश कहीं के? अब जरा इस गाड़ी से बाहर निकल जाओ। मुझे नहीं पता आग कैसे लगी, मैं तो बस बर्गर पलट रहा था कि तभी अचानक आग लग गई। बहुत जोर की थी वो। चलो अब उन बदमाशों को पकड़ते हैं मॉफल। बदमाश! रुक जाओ, मिला मॉफल। वो बदमाश मेरी एम्बुलेंस चुरा कर ले गए हैं। मुझे इस मरीज को अस्पताल लेकर जाना है। एक एम्बुलेंस में बदल जाओ मॉर्फल। आज मेरे शहर में कितनी शांति है, कहीं कोई ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ रहा है। बिना ड्राइवर की गाड़ियां? ओह, मेरे शहर में नहीं चलेगा। रुको, ये क्या? बाय बाय। चलो उन बदमाशों को पकड़ते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। मॉफल एक पुलिस कार बन जाओ। वाह, तुमने मेरे मन की बात जान ली। चलो उन बदमाशों को पकड़ते हैं। ओ, ये नहीं हो सकता। गाड़ियाँ, रोको उन्हें। उनके ऊपर से चलो मॉफल। गाड़ियों, एक साथ मिलकर एक बड़ा रोबोट बन जाओ। हम हैं गाड़िया बोट। अरे नहीं, नहीं, रुक जाओ। कितनी अच्छी सवारी वाली गाड़ियाँ थी। तुम लोगों के लिए बस एक ही सफर बचा है और वो है जेल जाने का सफर। ओह नहीं, आपने मुझे हरा दिया मिस्टर अर्जुन। मिस्टर अर्जुन फिर जीते। मिस्टर अर्जुन है एक सुपर हीरो। ओह, काश मैं भी एक असली सुपर हीरो होती। ठीक है, मिला है सुपर हीरो। मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है मेरे भोले मॉर्फल। मेरे पास है, मेला बन गई सुपर हीरो। वाह, शुक्रिया मॉर्फल। अरे ये क्या? रुक जाओ बेला। सुपर हीरो मीला आपकी बेला को वापस लाएगी। देखो वो रही। डरो मत बेला,
मैं हूँ मीला और ये है मोफल। ओ, तुमने तो इसे ढूंढ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मीला, हमारी सुपर हीरो। रुको, कहाँ जा रहे हो? ओ, तुमने तो इसे ढूंढ लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर हीरो मीला आपके ट्रक को रोक कर रहेगी। आप चिंता छोड़ दीजिए। शुक्रिया मीला। ट्रक को अब तक नहीं रोका है मोफल। ओह, तुमने मेरी आइसक्रीम ट्रक को रोक लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुपर हीरो मीला। शुक्रिया मत कहिए सर, ये तो मेरा काम है। मीला देखो, बस एक बार और मारो। ठीक है स्टाइल। यहाँ से निकलना होगा। पर हम फंस गए। ये बहुत भारी है। शुक्रिया सुपर हीरो मीला। ये तो मेरा काम है, पर आप जानते हैं मेरा एक और काम क्या है? नहीं, हमको भी बताओ। चोरों को जेल में डालना। ये लीजिए आपके दो छोटे रोबोट, जैसा आपने कहा था। बहुत अच्छे। और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, शुक्रिया। हम चलते हैं। सारा सामान ले आए ना तुम? बहुत अच्छे। देखते हैं काम बनता है या नहीं। देखो ये लोग बदमाश हैं। देखो ये बदमाश है। नहीं, ये सचमुच बहुत काम की चीज है। Psst, Morpho. Mila, बॉल कहाँ है? बॉल को भूल जाओ, हम एक दूसरा खेल खेलने जा रहे हैं। आप मेरे साथ आओ। ठीक है। Morpho, तुम भी बॉल ढूंढते हुए यहाँ आ गए? नहीं। ओह, तुम कोई दूसरा खेल खेलना चाहते हो? नहीं। ओह, ठीक है। तुम घर जाना चाहते हो? नहीं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं। Morpho, वो आइसक्रीम उठा लो। अजीब हरकतें कर रहे हो मोर्फो। तुम किसी चीज में बदलना भी नहीं चाहते। नहीं। यही कह जा रहे हो? नहीं 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 डैडी, मोर्फो कुछ अजीब सा हो रहा है। देखो मीला, ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। हाँ तो मोर्फो, क्या हाल है? नहीं। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? नहीं। आइसक्रीम नहीं खानी? फिर तो कुछ गड़बड़ है।
नहीं, माफ करना मॉर्फल, एक मिनट रुको जरा। देखा, मैंने कहा था ना, ये असली मॉर्फल नहीं है। बदमाश। मॉर्फल को सच में बॉल वापस लानी है? हाँ मॉर्फल, बॉल अभी लेकर आओ। ओ जरा देखो उसे, वो वही करने जा रहा है। ओ हाय मॉर्फल, तुम्हें भी खेलना है? रुको। डैडी वहाँ देखिए। ओ नहीं, ये तो मिला के डैडी हैं, कहीं छुप जाते हैं। सुनो मिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पस्त, मॉर्फल यहाँ आओ। तो फिर ठीक है, तुम खेल लो। बाय बाय मिला। बाय डैडी। बहुत अच्छे जॉन, चलो थोड़ी और शैतानी करते हैं। मॉर्फल दीवार को पेंट करो। नहीं। ला मुझे दो, तुम बदल जाओ एक पुलिस कार में। नहीं। फायर ट्रक में। नहीं। तो फिर हाथी। नहीं। काम से जाना है मॉर्फल, पर वो एक सीक्रेट है, इसलिए तुम नहीं चल सकते। मॉर्फल भी चलेगा? नहीं मॉर्फल, तुम नहीं जा सकते। बाय बाय मॉर्फल। मिला। ओ क्या हुआ मॉर्फल? डैडी को पता है मिला कहाँ है? नहीं सॉरी मॉर्फल। मिला। क्या बात है मॉर्फल, पता है मिला कहाँ है? नहीं सॉरी, आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं। नहीं मिला तो यहाँ नहीं है। मिला यहाँ ज़ू में है? हो, हो, नहीं मॉर्फल मिला यहाँ नहीं है। मीला तो यहाँ नहीं है। मीला कहाँ है? मीला कहाँ है? मॉर्फल हो रहा है, मेरे शहर में नहीं चलेगा। चलो आओ मॉर्फल, पक्का पता है मीला तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। इतनी जल्दी नहीं मॉर्फल, अभी पीछे की तरफ नहीं देखा है। सरप्राइज! मिला! हैप्पी बर्थडे मॉर्फल, अब जरा अपना गिफ्ट खोलो। इंसाफ कभी नहीं सोता, पर तुम्हें सोना है रात 9 से सुबह 7 तक। ये कार्टून देखने का टाइम है, पर टूथ ब्रश कर लेने के बाद।
मीला, मॉर्फल, तुम लोगों के लिए जूस तैयार है। वो, 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 इसे बाद में साफ कर दूंगा, पहले मुझे अपनी ये किताब पूरी करनी है। ओ नहीं, मॉर्फल का टावर। मीला, तुमने मॉर्फल का टावर तोड़ दिया। मैंने तुम्हारा टावर नहीं तोड़ा। ओ, तुमने मेरी ड्राइंग खराब कर दी मॉर्फल। नहीं, मॉर्फल ने नहीं की। बस बस, तुम लोग जाकर कुछ और क्यों नहीं करते? ठीक है। मिस्टर एक्शन आ गया तुम्हें रोकने के लिए। मॉर्फल मिस्टर एक्शन बन जाए? जरूर। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो सबको सुला देगी। ओ नहीं, मिस्टर एक्शन तुम्हें रोकेगा। बहुत मजेदार है। इसे रास्ते से हटा देता हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पर था? मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा मिस्टर एक्शन। अब तुम देखना, मेरा बॉक्स कहाँ चला गया? मिस्टर एक्शन, हाँ, तुमने यहाँ से बॉक्स क्यों हटाया? मॉर्फल ने बॉक्स नहीं हटाया। मीला ने मेरी बिल्डिंग तोड़ी। मैंने तुम्हारी खराब सी बिल्डिंग नहीं तोड़ी। बिल्डिंग खराब नहीं, मीला खराब है। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे बिना ही खेलने वाली हूँ। नहीं, मॉर्फल मीला के बिना खेलेगा। हाँ, मॉर्फल खेलेगा, मीला नहीं। मीला नहीं है, मजा नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मॉर्फल होता तो जरूर कुछ बना देता। बहुत ही शानदार किताब थी। मॉर्फल, सॉरी। मुझे तुम पर अपनी ड्राइंग खराब कर देने के लिए इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। हा? ओ, वो मॉर्फल ने खराब नहीं की थी, मुझसे गलती से हो गई थी। क्या? ओ, तो क्या मॉर्फल का ब्लॉक टावर भी आपने ही तोड़ा था? हाँ। और खिलौने भी आपने हटाए? हाँ। और बिल्डिंग भी आपने तोड़ी? शायद। मीला, मॉर्फल फिर से दोस्त बने? हाँ, बिल्कुल। जो कुछ भी मुझसे हुआ उसके लिए माफ कर दो, और माफ कर दो मैंने तुम दोनों के बीच लड़ाई करा दी। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डैडी। हेलो डैडी, हम आ गए। हाय मीला और मॉर्फल, तुम कितने गंदे हो गए, ऐसा क्या किया तुमने? वो पहले तो हमें एक आंटी मिली जिन्हें हमारी मदद चाहिए थी उनकी हैट ढूंढने में। मेरी हैट खो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे? मॉर्फल एक जासूसी डॉगी बन गया और उस हैट को हर जगह ढूंढने लगा। मॉर्फल को हैट मिल गई। हाँ, जब मॉर्फल ने वो हैट उन आंटी को दी तो वो खुश हो गई। और फिर हमें मैकेनिक जो मिला। मॉर्फल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा गाड़ी खींचने वाला ट्रक खराब हो गया। मॉर्फल बनेगा हाथी। और फिर एक डायनासोर।
और फिर एक रोबोट। शुक्रिया मोफल। तुम कार को खींच कर ले जा सकते थे। बिल्डर लॉरेंस हमसे मदद मांगने आ गए। मैं अपनी ड्रिल बिल्डिंग की छत पर छोड़ आया हूँ। मॉर्फल क्रेन। वहाँ पर बहुत ज्यादा कीचड़ था। शुक्रिया मॉर्फल। बहुत अच्छा काम किया मॉर्फल, पर अब तुम्हें नहाना पड़ेगा। नहाना? मॉर्फल को नहाना पसंद नहीं है। मॉर्फल बात तो सुनो। मान जाओ मॉर्फल, बस नहाना ही तो है। मॉर्फल को नहाना पसंद नहीं। पकड़ लिया। अब कहाँ चला गया? बस नहाना ही तो है। नहीं। पकड़ लिया। मॉर्फल को नहाना नहीं है। नहीं, मॉर्फल को नहीं नहाना है। मैं मदद करती हूँ डैडी। चलो शुक्र है कम से कम मॉर्फल ने नहा तो लिया। मॉर्फल को नहाना पसंद है। क्या? अब तुम्हें पसंद आया? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ डैडी? मॉर्फल अपने आप को किसी भी औजार में बदल सकता है। मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ, इस शेड को अकेले बनाना आसान नहीं है। मॉर्फल तुम एक हथौड़ा बन जाओ। वाह, अच्छा काम किया मॉर्फल, पर ये थोड़ा सा छोटा है। कोई बात नहीं, हम और बड़ा बना सकते हैं, है ना मॉर्फल? ठीक है, तो मैं अंदर के दीवारों को पेंट करता हूँ। हाँ, ये एकदम सही है। हाँ, चलो कुछ देर आराम करते हैं। क्यों ना हम एक और माला बनाएं मॉर्फल? डैड को काम और सामान के लिए और जगह मिलेगी। हम एक शेड बना रहे हैं, वो भी दुनिया का सबसे अच्छा शेड। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा शेड बनाना है तो तुम्हें स्लाइड भी बनाना होगा और एक बालकनी भी। तुमने सही कहा। रखवाली के लिए एक बड़ा टॉवर।
ताकि हम चोरों को पकड़ सकें। झूलने के लिए झूला भी। और खेलने के लिए एक कमरा भी। मुझे लगता है ये और भी लंबा होना चाहिए। पर हमने सारी लकड़ी खत्म कर दी है और लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। मॉर्फ, तुम एक बड़े से ट्रक बन जाओ। मॉर्फ, लकड़ी काटने की मशीन बनकर उन पेड़ों को काटो। इन्हें शेड पर ले जाएं। चलो मॉर्फ, तुम इस शेड को जितना ऊंचा बना सकते हो उतना बनाओ। शेड है। अब भी इसमें किसी चीज की कमी है। ये क्या हो रहा है? डैडी, आपको हमारा नया शेड कैसा लगा? मुझे यहाँ से नीचे उतारो। अच्छा, तो ये कमी थी। हम सीढ़ी बनाना तो भूल ही गए। आप वहीं रुकिए डैडी, हम अभी आते हैं। मॉर्फ, चलो हम और लकड़ियाँ ले आए। नहीं, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। मीला, मॉर्फ, क्या तुम यहीं हो? मेरे फलों में मगरमच्छ है। ओहो, बचाओ! Shark! और ये इनाम मिलता है तुम्हें। भागो! चलो इस खूबसूरत गार्डन में पानी डालते हैं। इस बाकी जरा रोको तो, ये तो पानी का पाइप नहीं है, ये तो सांप है। अब हम हैं खतरनाक जानवरों वाले बदमाश। हम खतरनाक जानवरों को चुराते हैं और उन्हें शहर में छोड़ देते हैं। पर स्टाइन, मुझे तो लगा था कि हम टाइगर को छोड़ो। होगी मॉर्फो। मॉर्फो, मॉर्फो हेल्प नहीं कर सकता। टाइगर डरावना होता है। टाइगर मेरे लिए भी डरावना है मॉर्फो। हाँ, वो बहुत खतरनाक होता है, पर तुम्हें टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतने बड़े हो सकते हो कि टाइगर खुद तुमसे डरने लगेगा। मुझे पता है टाइगर को क्या चीज डरा सकती है। वो देखो, एक बड़ा डायनासोर। मुझे को डर लग रहा है। जानती हूँ, पर तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अगर तुम उसे डराने में कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। चलो अब चलकर शहर से दूसरे जानवरों को भी बाहर भगाते हैं। मूस,
तुमने कुछ सुना मॉर्फल? इन खतरनाक जानवरों की वजह से लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए हैं। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हाँ, और अब हम बन गए हैं फलों के लुटेरे। एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर हो जाओ। अगर हम इस शहर के सारे फल खा जाएं, तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। हमें इन्हें रोकना होगा। एक बड़े से मगरमच्छ में बदल जाओ। भागो, इतना बड़ा मगरमच्छ। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को फल चुराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पहले डॉक्टर से डर लगता था, लेकिन मैं फिर भी गई। और अब देखो, मुझे डॉक्टर से बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि किसी चीज का बार बार सामना करने से उसका डर खत्म हो जाता है। सच में? आओ, तुम लोग आ गए, चलो अंदर आ जाओ। ये तो बिल्कुल डरावने नहीं है स्टैन। ये लो मेरे दोस्तों, जैसा आपने कहा था, ये रहे आपके रोबोट्स। बढ़िया, मुझे खुशी है कि आपको पहले वाले अच्छे लगे। क्या मैं जान सकता हूँ आप इतने सारे रोबोट्स का क्या करेंगी? कुछ नहीं प्रोफेसर। और हाँ, प्लीज आप हमारे लिए और भी बनाते रहिए। खिलौना कार वापस चाहिए। टॉय कार? पर मेरे पास तुम्हारी टॉय कार नहीं है ट्रॉय। तुम्हारे पास है, मैंने तुम्हें ले जाते हुए देखा था। अगर तुमने मेरी कार वापस नहीं दी तो मैं तुम्हारे डैडी से बता दूंगा। मीला के पास टॉय कार नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ट्रॉय सुनो तो तुम यहाँ हो मीला। मैं अपने एक बहुत जरूरी काम से जा रहा था और तुमने मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया। पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अभी तो घर जाकर कपड़े बदलने हैं, पर मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ शैतान लड़की। ये तो हद हो गई मॉर्फल। हमें पता लगाना होगा आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक हेलीकॉप्टर बन जाओ मॉर्फल। मॉर्फल वो देखो। मैं तो यहाँ पर हूँ ना। ये जरूर कोई रोबोट है, उसका पीछा करो मॉर्फल। एक मैग्नेट में बदल जाओ। चलो इसे जेल लेकर चलते हैं। ऑफिसर फ्रीज तय करेंगे इसका क्या करना है। एक रोबोट को पकड़ा है बदमाशी करते हुए, ये देखिए। तुम्हारा मतलब बिल्कुल इसकी तरह? हाँ? ये क्या, ऐसे और कितने हैं? प्रोफेसर, हमें और रोबोट चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पक्का वो रोबोट इसी तरफ गए हैं। देखो देखो कितनी सारी मिला। और हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। ओके। हमें वो रिमोट हासिल करना होगा मॉर्फल। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये है मॉर्फल। मॉर्फल? मॉर्फल, मॉर्फल, मॉर्फल। पकड़ो उसे।
तुम कहाँ जा रहे हो छोटे रोबोट? अरे ये सारे रोबोट बदमाशों को पकड़ो। नहीं नहीं नहीं। इन सारे कारनामों के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है। हम तो बुरी तरह फंस गए स्टैन। कुछ करो रोबोट। नहीं नहीं नहीं। मॉर्फल बदमाशों को पकड़ो, बदमाशों को पकड़ो, मॉर्फल बदमाशों को पकड़ो। नहीं। हाँ, शुक्रिया जॉली फैंट, और आइसक्रीम दो ना। ये सारी आइसक्रीम साफ कर सकें। मॉर्फल नहीं बन सकता, मॉर्फल ने ज्यादा खा लिया। ये जॉली फैंट कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम बना रहा है। समझ नहीं आ रहा इतने का करेंगे क्या। हाँ, और ज्यादा आइसक्रीम मॉर्फल के लिए ठीक भी नहीं है। हमें बाहर जाकर इस जॉली फैंट के लिए एक नया साथी ढूंढना चाहिए। हाँ तो जॉली फैंट, जरा दिखाओ जिराल्डो को तुम क्या कर सकते हो। क्या सोचा तुमने? तुम इस जॉली फैंट को अपने साथ रखना चाहोगे? नहीं 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 नहीं, मुझे इसका साथ नहीं चाहिए। जिराल्डो की आइसक्रीम कोई आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं है। हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, समझे? वहाँ पर आग लगी हुई है। पर फायर फाइटर कार्बन का पानी खत्म हो गया है। और मॉर्फल भी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसने ज्यादा आइसक्रीम खा ली है। जॉली फैंट, इस आग को बुझाने के लिए अपनी आइसक्रीम का इस्तेमाल करो। जॉली फैंट को अपने साथ रखकर खुश होंगे। ये तो कमाल हो गया, तुम तो सच में हीरो हो। ये और हीरो, इतनी आइसक्रीम साफ करने में तो मुझे कई दिन लग जाएंगे। मुझे लगता है मिस्टर वैंडरबूस बिल्कुल सही है। माफ करना कि हम तुम्हारे लिए दोस्त नहीं ढूंढ पाए, पर फिकर नॉट, तुम मैजिक पेट स्टोर को अपना ही घर समझो, ठीक है? हेलो हेलो, जरा सुनिए, मुझे अपने बच्चों के इस हॉस्पिटल में उन्हें खुश रखने के लिए एक मैजिक पेट की जरूरत है।
उसके पास मत जाना मिला, वो एक मगरमच्छ का अंडा है। माफ करना मॉर्फल, मुझे नहीं पता हमें एग्स कहाँ पर मिलेंगे। केनेथ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक खरगोश गंदगी फैला रहा था तो मैंने उसे पकड़ा है। वो पूरे शहर में अंडे फैलाता जा रहा था। अब समझ नहीं आ रहा कि उसे खाने में क्या दूं। मुझे लगता है थोड़े से गाजर से काम चल जाएगा। चलो चलकर देखते हैं मॉर्फ। ये तो ईस्टर बनी है। ऑफिसर फ्रीज, आपने ईस्टर बनी को पकड़ लिया है, आपको उसे छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकता मिला, ये खरगोश दुनिया का सबसे बड़ा गंदगी फैलाने वाला है। ये पूरे शहर में कूड़ा फैला रहा था और ऐसा करना जुर्म है। लेकिन हे, बनी ने ये बैग दिया है। तुम चाहते हो कि हम ये ईस्टर एग्स छुपा दें क्योंकि तुम नहीं छुपा सकते। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो मॉर्फल, एक हेलीकॉप्टर बन जाओ। और अंडे। वहीं पर रुक जाओ मिला, मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा हूं। तुम हर जगह गंदगी फैलाते जा रहे हो और तुम्हें पता है गंदगी फैलाना गुनाह है। पर हम गंदगी नहीं फैला रहे, ये तो ईस्टर एग्स हैं। ये यहाँ पर पड़े नहीं रहेंगे क्योंकि शहर के सारे बच्चे इन्हें आकर उठा लेंगे। खोलिए इसे। सच कहूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक और मिल सकता है? उसके लिए आपको एक एग ढूंढना होगा। माफ करना, मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया इस डबनी। मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम सबके लिए जादुई अंडे छुपा रहे हो। प्रोफेसर रशीद की टाइम मशीन के साथ अब हमें रोक पाना नामुमकिन है। हमें इन्हें रोकना होगा मॉर्फल, एक डायनासोर सुपर हीरो बन जाओ। नुकसान नहीं कर पाओगे। ये क्या हुआ, हमारे प्लान में तो ये सब बिल्कुल नहीं था। अच्छे मिला और मॉर्फल, चलो अब इन सबको इकट्ठा करते हैं और इन सबको हिस्ट्री से पहले की दुनिया में पहुंचा देते हैं।
जल्दी करो, उन डायनासोर को वहाँ से हटाना होगा। शायद तुम एक डायनासोर को भूल गए थे। ओह नहीं, माफ़ो। जल्दी लैब में चलो, हमें पता लगाना है कि वो कहाँ गया। कहाँ फंस गया? हिलना मत मौफल। अब पता चल जाएगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। यही है वो दुनिया के सबसे शानदार रोलर कोस्टर। ऊपर नीचे होता है, कितने मजेदार मोड़ हैं, और बहुत ऊपर भी जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें जाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा होना होगा। मैं एक ऐसे प्रोफेसर को जानती हूँ जो इस काम में मेरी मदद कर सके। ये तुम्हें छोटे से बड़ा बना देगा, पर सोच लो, तुम्हें बड़ा होना है ना मिला? हाँ होना है। तो ठीक है, अभी कर देते हैं। ये तुम ही हो क्या? ओ नहीं, मैं मीला की आंटी हूँ। वाह, शक्ल कितनी मिलती है तुम्हारी। कोई बात नहीं, तुम्हारी लंबाई ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। बहुत मजा आया, और अब जैसे कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। बड़ी हो गई? आओ मॉर्फो। इस डॉल्फिन की सवारी कौन करना चाहता है? मैं करूँगी। माफ करना मिस, पर आप इस डॉल्फिन पर सवारी करने के लिए बहुत बड़ी हैं। चलो झूठ मूठ की टीचर बन जाते हैं मॉफल। माफ करना मिस, पर आप क्लास के अंदर नहीं जा सकती। मैं मीला की आंटी हूँ। हाँ, मैं ये बात पहले सुन चुका हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, पर मीला यहाँ नहीं है। मुझे अपने क्लास में वापस जाना है। गुड बाय। बड़े होना धीरे धीरे बहुत बोरिंग होता जा रहा है। ये बच्चों के खेलने का मैदान है मिस, इसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। ओ माफी चाहती हूँ, पर मैं फाइन नहीं दे सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरी सलाह है कि जल्दी से कोई काम ढूंढ लो। अब मुझे बड़ा बनकर नहीं रहना है। तुमने सोच लिया ना कि तुम्हें फिर से बच्चा बनना है? इतना अच्छे से मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा।
तुमने सुना? क्या सुना? वहाँ पर एक और रोलर कोस्टर बन रहा है, इस बार पहले से भी बड़ा बन रहा है। अच्छी बात है। उसकी राइड लेने के लिए तुम फिर से बड़ा नहीं होना चाहती? बिल्कुल नहीं, बड़े होने में उतना मजा नहीं है जितना मुझे लगता था। जब तक हो सकता है तब तक छोटा रहकर ही मजे करना चाहती हूँ। पकड़ लिया, तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो हूँ, मैं इस कार को आसानी से उठा सकता हूँ। मार्फल, चलो इनकी हेल्प करें। मैं भी एक सुपर हीरो हूँ और मैं उठ सकती हूँ। उई, वाह! ये बस तुमसे खेलना चाहता है, ये काटेगा नहीं। तुम इसे यहाँ से हटा लो बस। परेशान मत कीजिए, उन्हें चाहिए यहाँ से। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुपर हीरो, ये काम और कौन कर सकता था। तुम लोगों के नाम क्या हैं? मैं हूँ। हम आपको नहीं बता सकते, हम मास्क वाले सुपर हीरो हैं और हम अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। उन इनामों को वापस कर दो। पर मुझे तो हाई स्कूल में कभी भी कोई इनाम नहीं मिला। हाँ, पर अब मैं कानूनी रूप से नंबर वन बैले डांसर बन गया हूँ। ठीक है, ले लो अपना इनाम वापस। नहीं नहीं, इसे तुम ही रख सकते हो। इस पर लिखा है पकड़े जाने में नंबर वन। हम चैंपियन बन गए, वाह मजा आ गया। हम यहाँ उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने पूरे शहर के इनामों को बचाया है। आपके लिए एक सवाल है, आप हैं कौन? हम आपको नहीं बता सकते, हम मास्क वाले सुपर हीरो हैं, हम पहचान नहीं बताते। मैं हूँ ट्रॉय। मैं हूँ अप्रैल। मार्फल। देखो मॉर्फल, बाहर इन सभी चीजों के रंग गायब हो गए हैं। मॉर्फल, एक जादुई पेंट ब्रश बन जाओ। मॉर्फल, घास नीली नहीं होती, हरी होती है। बहुत अच्छे मॉर्फल। सिग्नल ग्रीन था। रुको,
इन चीजों का भी कोई रंग नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। आहा, तो वो तुम हो जो इस शहर की सारी चीजों के रंग चुरा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रंगों के बिना जिंदगी में मजा नहीं आता। ओह, बहुत मजेदार है। हाँ, ये हुई ना बात। चलो कुछ और जानवरों को ऐसे ही मजेदार रंगों में रंगते हैं। तुम यहाँ हो क्रोमा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो शहर में कितनी परेशानी खड़ी हो गई है, तुमने वहाँ के सारे रंग चुरा लिए हैं। हर चीज को उसके पुराने रंग में वापस रंगने में मॉर्फर क्रोमा की मदद कर सकता है। कैसे हो? पता नहीं मेरे फायर ट्रक का रंग कैसे गायब हो गया। मॉर्फल और क्रोमा ट्रक के रंग वापस ला सकते हैं। नहीं मॉर्फल, फायर ट्रक का रंग हमेशा लाल होता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्फल और क्रोमा। आप कैसे हैं क्लाउड मॉन्स्टर? शायद आप सही थे। प्लीज आप जाइए। वाह, तुम दोनों ने तो शहर को फिर पहले जैसा कर दिया। मॉर्फल और क्रोमा, तुम दोनों की टीम तो कमाल है। क्रोमा को रंग भरना बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल है। मेरे पास एक आइडिया है क्रोमा, तुम्हें एक ऐसे दोस्त के पास रहना जिसे रंग बहुत अच्छे लगते हो। शानदार, तुम्हारी जैसी एक जादुई पेंटर की मेरे जैसे पेंटर को बहुत जरूरत है।